आम आदमी पार्टी के आम लोग बिल्कुल, जिसने मेयर को हराया हो बिल्कुल, एक दुकानदार छोटा दुकानदार जितना है ना, अपने आप में समझ लो पंजाब भी जीत लिया उन्होंने और देश को भी जीत लिया। ये पंजाब से पहले जो पंजाब में चुनाव होना है, पंजाब का सेमीफाइनल पंजाब जीत चुके हैं। हरियाणा के अंदर भी आम आदमी पार्टी नगर निकाय चुनाव, ग्रामीण के जो भी चुनाव हैं वो सभी के सभी पार्टी चुनाव चिन्ह पर लड़ेगी। चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी की बहुत बढ़िया जीत होने पर आम आदमी पार्टी नरवाणा के जो कार्यकर्ता, उन्होंने लड्डू बांटकर खुशी जाहिर की है। नरवाणा के अंदर जो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे, जो इनकी जीत है उस पर इनका क्या कहना है। सबसे पहले ओम दत्त शर्मा जी, हम इनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी सर, आम आदमी पार्टी की चंडीगढ़ में जीत है तो क्या कहना चाहिए? सभी साथियों को नमस्कार। हमारी आम आदमी पार्टी की चंडीगढ़ में बहुत अच्छी जीत हुई है, उसके लिए हम सभी साथियों को, चंडीगढ़ वासियों को, दिल्ली वासियों को, पंजाब वासियों को, सभी प्रदेश देशवासियों को बधाई देते हैं। और जो आप मीडिया है उसको भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। जो भी दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने काम किए हैं, सुविधाएं दी हैं, वही मीडिया लोगों तक पहुँचा रहा है। हम मीडिया को अभी बार बार धन्यवाद करते हैं। तो भाजपा के दिग्गजों को हरा कर आम आदमी पार्टी के 14 जो कैंडिडेट थे वो आगे आए हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, भाजपा के बड़े बड़े नेता, उनके मेयर, उनके सांसद, उनके प्रशासक, उनके राज्यपाल उनका, लेकिन आम आदमी पार्टी के आम लोग बिल्कुल, जिसने मेयर को हराया हो बिल्कुल, एक दुकानदार छोटा दुकानदार आम दुकानदार है। आम आदमी पार्टी दिल्ली हो, पंजाब हो, चंडीगढ़ हो, सभी जगह आम आदमी पार्टी के आम लोग ही जो है वो चुनाव लड़ते हैं। तो हरियाणा के अंदर भी चुनावों की हट है, नगर परिषद चुनाव होंगे, सरपंच के भी चुनाव होंगे, तक वहाँ भी क्या आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार उतरेंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल, हरियाणा के अंदर भी आम आदमी पार्टी नगर निकाय चुनाव, ग्रामीण के जो भी चुनाव हैं वो सभी के सभी पार्टी चुनाव चिन्ह पर लड़ेगी। हमारे साथ सरदार हरचरण सिंह जी, हम इनसे बातचीत करें। हाँ जी सर, क्या कहना है, जो आपकी पार्टी चंडीगढ़ में झंडा फहराया है तो पंजाब की आगे क्या रणनीति है आपकी? बड़ा स्पष्ट बात है, सत्य बलत आप बधाई है पत्र में, आपकी नरवाना जो आवाज़ है ये आप भी बधाई पत्र हैं और सारा मीडिया बधाई पत्र है और नरवाना हमारा सारा बधाई पत्र है। कि आपका जो सवाल था उसके जवाब यही है कि चंडीगढ़ के अंदर जो एक पढ़ा लिखा इलाका है दुनिया के अंदर मन्या हुआ है चंडीगढ़, वहाँ पर रिटायर बंदे, वेल एजुकेटेड लोग, ऑफिसर लोग हैं, वहाँ से जो जीतना है ना, अपने आप में समझ लो पंजाब भी जीत लिया उन्होंने और देश को भी जीत लिया। जैसे 28 सीट आई थी ना दिल्ली, भाई पढ़े लिखे लोग आ गए, पढ़े लिखे लोगों का वोट देना, एक आम लोग तो फिर दे ही देगा, देख के यार जब ये दे रहे हैं तो हम भी देंगे। तो पढ़े लिखे लोगों को वोट देना, उन लोगों का चंडीगढ़ का जिताना, और इतने इतने बड़े बड़े लोग उन्होंने हराए, एक आम लोगों ने हरा दिए, तो पंजाब का तो हमारी पक्का 100% जीत है। हमारे साथ सुखदेव जी भी है आम आदमी पार्टी। हाँ जी, क्या कहना जो आपकी चंडीगढ़ में जीत हुई है? देखिए, चंडीगढ़ की जीत एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जीत है। चंडीगढ़ में एक वेल डेवलप्ड सिटी के होने के नाते चंडीगढ़ में एक एजुकेटेड और एक अपर क्लास के लोग, मैं कहूँगा, वो रहते हैं। और उन्होंने जब दिल्ली में हुए एक बदलाव को देखते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी के उस मॉडल, दिल्ली के उस मॉडल के ऊपर और अरविंद केजरीवाल जी की उसकी सोच के ऊपर, उनके ऊपर मोहर लगाई है। और उनके मोहर लगाते हुए उन्होंने आज 14 वार्डों में अपनी जीत दर्ज करवाते हुए आज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी चंडीगढ़ निकाय चुनाव में वो उभर के सामने आई है। तो इसको हम सीधा सीधा कहेंगे कि ये पंजाब से पहले जो पंजाब में चुनाव होना है, पंजाब का सेमीफाइनल है, क्योंकि पंजाब का ही नहीं, क्योंकि चंडीगढ़ दो स्टेटों की राजधानी है, पंजाब और हरियाणा। हरियाणा में भी आज जब से कल से अनाउंस हुआ है, इलेक्शन के डिक्लेयर हुए हैं जो काउंटिंग, हरियाणा में भी आज चर्चाएं का विषय बना हुआ है। और दूसरी चीज़ थी कि
उस चुनाव को कुछ नेशनल टीवी चैनलों ने कवर ना करके सिर्फ एक एक दो दो मिनट की बाइट जो उन्होंने चलाई है, ज़्यादा कुछ था नहीं। आप जो लोकल चैनल्स हैं जैसे नरवाना की आवाज़ के, मैं आप लोगों का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि आप इस मुद्दे को आज और इस हमारे बीच ये उठाने के लिए आए। बात मेयर की करे तो अगर मेयर भाजपा का बन गया, भाजपा और कांग्रेस मिल के अगर मेयर बना देते तो आपकी पार्टी की सीट बेकार गई ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैंने सुबह आज ट्वीट भी किया है क्योंकि आज मैं ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा था कि आज कांग्रेस का कोई स्थापना दिवस है शायद। मैंने तो उनको हैशटैग को टैग करते हुए लिखा है कि आप भी ये भी बता दिए जरा कितने आपके जो MCA वो बिकने वाले हैं, क्योंकि भाजपा कांग्रेस की हालत ये रही है जहाँ भी इनको इनके विधायक या फिर इनके MC भाजपा तोड़ के ले जाती है, इनके पास हर बिकाऊ माल होता है। तो आज कांग्रेस ये भी बता दे कि कितने बिकने वाले हैं आज, इस बात का भय तो है कि हॉर्स ट्रेडिंग कांग्रेस करेगी। हमारे साथ तो युवा नेता भी है बिट्टू लोट जी, इनसे बात करें। क्या कहना जो आज की जीत आपको? पहले तो मैं सभी चंडीगढ़ वासियों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ और आने वाली सरकार जो पंजाब में बनने जा रही है हमारी, उसके लिए इसको देखते हुए पंजाब में इसका पूरा असर पड़ेगा और लगभग हम पंजाब जीत चुके हैं और हरियाणा में भी इसका असर हमें देखने को मिलेगा। लगभग हरियाणा भी बहुत लले इसके प्रति आवाज़ उठा रहा है इसकी केजरीवाल की नीतियों के बारे में भी। केजरीवाल की नीतियों को देखते हुए चंडीगढ़ में ये सीट हमें कम से कम 14 जो केजरीवाल की नीतियों को देखते हुए सीट हमें मिली है। धन्यवाद आपका। ये हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता जिन्होंने आज लड्डू बांटकर चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों की जीत की खुशी मनाई है। तो आपकी जो 14 वार्डों में जीत हुई है तो कहीं ना कहीं जो पंजाब है उसको लेकर कैसे लेकर चल रहे हो आप, पंजाब में क्या रूपरेखा रही है? चंडीगढ़ के अंदर आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा है और पहली बार ही बहुत बढ़िया ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है। इसको देखते हुए पंजाब में हमारी सरकार बनने जा रही है और जनता का मूड आज केजरीवाल के साथ है। सरकार जो आज BJP सरकार है उसको दमनकारी नीतियों को देखते हुए हर वर्ग दुखी है, व्यापारी हो, मजदूर हो, किसान हो, सभी दुखी हैं। आज सभी लोग केजरीवाल की तरफ देख रहे हैं और आने वाले समय में पंजाब में हमारी सरकार बनेगी। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने शिक्षा, स्वास्थ्य व आम लोगों की सुविधाओं के लिए काम किए हैं, उसके देखते हुए आज आम जनता, पूरे देश की जनता, चंडीगढ़ ही नहीं पूरे देश की जनता केजरीवाल की तरफ देख रही है। पंजाब के अंदर भी हमारी बहुत बढ़िया जीत होगी और चंडीगढ़ के अंदर जो बड़े बड़े BJP के मेयर और प्रशासक, आज राज्यपाल भी BJP का है, सांसद भी BJP की है, उनको भी हरा कर आज हमारे आम लोग, छोटे छोटे लोग केजरीवाल के साथ और दिल्ली के जो काम हुए उनके साथ खड़े हैं। चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे चंडीगढ़ हो, गोवा हो, उत्तराखंड हो, हर जगह आम लोग ही हैं। मेयर को राय हो, एक डब्बा चलाने वाला छोटा सा आम है उसने मेयर को बड़े उससे हराया है।